नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर जाते हैं नई तकनीक इनोवेशन के दुनिया में। आज हमारे पास एक खास चीज है, ओपनएआई का नया चमत्कार सोरा। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अब टेक्स्ट टू वीडियो टेक्नोलॉजी के दुनिया में खो जाएंगे। पहले थोड़ी यादों की सैर करते हैं। ओपनएआई एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि नई सोच को भी बदलने का मिशन रखती है। शुरुआत में उनका प्लेटफॉर्म सवाल जवाब का था, जहां यूजर्स कुछ भी पूछ सकते थे और तुरंत जवाब मिलता था। फिर आया डेल ई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो तस्वीरें जनरेट करता है बस टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से। उपयोगकर्ता बस अपने मनपसंद तस्वीर को वर्णन करते थे और डेल ई उनके विचार को हकीकत में बदल देता था। और अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वही पल है जिसका आप सबको इंतजार था, सोरा की महा एंट्री। इससे पहले कुछ भी सोचेंगे, सोरा उसके वीडियो में बदल देगा। चलिए अब देखते हैं कुछ सोरा के उदाहरण और देखते हैं कैसे सोरा ने उन्हें कैसे जेनरेट किया। देखिए ये खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य। ये वीडियो सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से जेनरेट हो गया है और ये एक्शन से भरपूर सीन। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ये भी सिर्फ एक टेक्स्ट से बनाया गया है? ये फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप देखिए, जैसी किसी साइंस फिक्शन फिल्म में। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब बस कुछ शब्दों से बना हुआ है। और देखिए ये प्यार भरा एनिमेशन। सोरा के जरिए आप अपने ख्वाबों को असल में बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे हर नई तकनीक के साथ होता है, सोरा के साथ भी कुछ भविष्य के तनाव हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो ये आक्रामक तरीके से शुरू हो सकता है। और फिर कुछ लोगों का कहना है कि अगर सोरा जैसे प्लेटफॉर्म और ज्यादा लोकप्रिय हो गए तो इससे संबंधित क्षेत्रों की नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि ये टेंशन है या फिर हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को देखना चाहिए? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमें तनाव में रहना और उनका समाधान ढूंढना होगा। सोरा जैसे प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी हमें रचनात्मकता को उजागर करने का नया रास्ता मिला है और ये एक बड़ा कदम है आगे बढ़ने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जिज्ञासु रहिए और रचनात्मकता को बढ़ाते रहिए।